वाला कपिल शर्मा शो। खबरें कैसी कैसी आ रही बाजी, क्यों क्या हो गया? ये देखिए, सहारनपुर के देना नगर में बंदर ने शराब पी के मचाया हड़कंप बंदर पुलिस की गिरफ्त में। अरे ठेके में कैसे पहुंचा? पता चला है कि बंदर खराब शादी से दुखी था। डाकिया डाक लाया, ओ डाक लाया, डाकिया डाक लाया। ये क्या डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक ही लाता, और कभी सुना डाकिया साग लाया? ये क्या बोल रहे हैं? और साहब जी, आपके लिए इतनी बढ़िया खबर लाना, इतनी अच्छी खबर है। लगन पहले जो थोड़ी ना मिठाई बिठाई हो जाए तो फिर मैं आपको ये खबर सुनाता हूँ। अबे मिठाई तेरा खुद का मुरब्बे जैसा, मुंह चाट के पानी पी ले। तू ऐसा कर रहा जैसे मेरे लिए करोड़ों की जायदाद लेके आया तू। करोड़ों की है साहब? क्यों? आपके दूर के दादाजी ना आपके लिए 50 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं। क्या बात कर रहा है? हाँ। अरे आप खड़े क्यों हैं? साइकिल पकड़िए और निकलिए। जब मेरी जायदाद का हिस्सा मेरे को मिल जाएगा 10,000 रुपए आपको दे दूंगा। चलो चलो फटाफट निकलो। चाय तो पिला दो साहब। अबे डाकिया होके दमाद जैसी डिमांड ना कर, चल निकल यहाँ से। नानी नानी, क्या हुआ कपूर? मेरी 10वीं की रिजल्ट आ गई क्या? इससे 10वीं नहीं हो रही, इसकी उम्र वालों की 13वीं हो गई, इसकी 10वीं नहीं हो रही। बोल क्या खुशखबरी है? अरे खुशखबरी ये है कि मेरे दादाजी थे ना जो, हाँ? वो सारी जायदाद मेरे नाम करके 50 करोड़ रुपए की। अच्छा। पर लेकिन उन्होंने शर्त रखी एक। कमबख्त से मुझे तो रखी नहीं गई, शर्त रख गया मोया। कैसी शर्त है बोल? अरे शर्त ये है कि 50 करोड़ की जायदाद बोलो तभी मिलेगी जब मेरी शादी हुई होगी, और वकील शाम को ही आ रहा है, एक दिन में बीवी कहां से लाऊंगा? कप्पू, डॉक्टर की बेटी, अरे वो गिलेरी, हाँ उससे बात कर ले, वो मान जाएगी। अरे जितना वो तुझ पे डोरे डालती ना, उतने डोरे में तो नई सलवार तैयार हो जाए। पागल की बच्ची लग रही। सही, अपना गाना सही पकड़ा तूने। सज्जन मजबूरियां है, मजबूरी में कोई शादी करेगा तेरे से। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब कितना मेंटेन करके रखा तूने? 40 की हो गई, 24 की लगती बाजी। एक्सक्यूज मी, मैं 24 की ही हूं। सरला मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सच कप्पू? हाँ। कहीं मैं खुशी के मारे मर ही ना जाऊं। तो मर जा, मैं तो कहता हूँ। देख मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें एकदम से ज्यादा खुशी नहीं देना चाहता। मैं तो थोड़ी थोड़ी खुशी दूंगा, जैसे पहले 2 दिन की शादी करूंगा, अगर तुम्हें हार्ट अटैक नहीं आया, फिर 4 दिन की शादी, फिर धीरे धीरे मतलब जैसे लर्निंग लाइसेंस बनाते हैं, गाड़ी चल गई तो परमानेंट हो जाएगा। बैठ बैठ बैठ, आजा 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 बैठ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यकीन तो मुझे अब भी नहीं हो रहा पाजी। अच्छा अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मुझे हनीमून पे कहीं बर्फ वाली जगह पे जाना है, तो तुम ये तो नहीं कहोगे ना कि मैं तुम्हें बर्फ के कारखाने में ले चलूंगा? क्योंकि मुझे देखो सिर्फ स्विट्जरलैंड जाना है कप्पू, प्लीज। ए भांडू जैसे मुंह वाली, तेरे को लेके जाऊंगा मैं स्विट्जरलैंड। तेरे को पागल, तेरे को स्विट्जरलैंड लेके जाऊंगा मैं। सच्ची? हाँ, बस तुम जल्दी से जल्दी मेरी बीवी बन जाओ, बस 2 मिनट में बन जाओ। तुम्हें शादी करने की इतनी जल्दी क्यों है कप्पू? अरे वकील जो आने वाला है, इसके दत्ता का 50 करोड़ का जायदाद जो देना है, अगर इसकी शादी नहीं हुई तो पैसे कैसे मिलेंगे? क्या तुम मुझे पैसों के लिए मुझसे झूठ मूठ की शादी करना चाहते हो? अरे मैं नहीं शादी करूंगी तुमसे कभी भी ऐसे। सुनना। नहीं मुझे नहीं सुनना। मेरी बात सुन। नहीं सुनना मुझे। नहीं। मैं नानी, तेरे पेट में कोई बात पचती नहीं है क्या? इस उम्र में राजमा चावल नहीं पचते, बात कैसे पचेगी? चल भाग अंदर जाके। ओ शर्मा शर्मा शर्मा, मेरी बात सुनो, किसी को उल्लू बनाना अच्छी बात नहीं होती। तो उल्लू को बुरा लगना चाहिए ना, ऊद बिलाव को क्या परेशानी हो रही है? ऊद बिलाव मुझे परेशानी क्यों होगी, मैं तो खुद कमाने वाला इंसान हूँ। आप भी कोई काम धंधा करना शुरू कर दो, नहीं तो आपका सरनेम खराब हो जाएगा, कपिल शर्मा से कपिल निकम्मा हो जाएगा। मेरा सरनेम मैं तेरे नाम से पहले चल बसे लगाना, मैं थप्पड़ मारा तेरे मुंह पे। बकवास कर रहा है बदतमीज। क्या क्या हुआ, इतनी गर्मी क्यों है? क्यों है शर्मा जी, केतली जैसा मुंह तेरा, मैं क्यों गर्म होऊंगा बे? मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ। किसी दिन इसी केतली में चाय भर के ना आपे फेंक देनी है। मुझे स्कूल से कप मिला। नलाक थोड़ी मेहनत और कर लेते, साथ में प्लेट भी मिल जानी थी। अरे पापा वो कप नहीं, जीतने वाली कप। ओ वाओ, ये कैसे मिला कप? अरे मैं ड्रामा में नागिन बना था। ओए तुमने साबित कर दिया कि तुम अपनी ही माँ के बच्चे हो। यार बेटा तू नेवला बंदा, तेरे बाप को और खुशी हुई? इधर कप तो देखने दे कैसा है, दिखा। बेटे कप नहीं दिखाना, इनको छीन के भाग जाते हैं। हम इसमें चाय पिया करेंगे। क्या पापा आप इस कप में टी पिएंगे? बड़े कपटी आदमी आप। आपको तुम्हें टैलेंट की जरा भी कदर नहीं है। पता है कितनी मारपीट हुई है इस कप को लेने में? मारपीट कैसे बेटे? अब कंपटीशन में हारने के बाद भी कप उठा कर लिया तो मारपीट तो होती है ना।
बेटे फिर इसको सजा कर नहीं रखना, इसको छुपा कर रखना पड़ेगा। क्या गलत बात बच्चों को सिखा रहा है? बेटा बोली कपू भैया, बेटा ये चोरी करना गलत बात है। सॉरी कपू भैया, लेकिन मैं बहुत मेहनत से औरत बना था। कोई बात नहीं बेटा, टैलेंट कभी बेकार नहीं जाता। तुझे पता है तेरा ये औरत बनने का टैलेंट एक ना एक दिन काम जरूर आएगा। कब आएगा? आज शाम को। देख मैं तेरे को 100 रुपया दूंगा, एक वकील आने वाला है उसके सामने तुझे एक्टिंग करनी, तो मेरी बीवी है ठीक है। लेकिन इतनी सी वाइफ कैसे हो सकती है? बेटा कानून क्या कानून, रिश्ते देख रहा है, उम्र नहीं देखेगा वो। तो खाली बन जाना ठीक है, अच्छी साड़ी पहन के आना ठीक है बेटा। ओके। खजूर, खजूर, टीचर आ रही है, मैं भागता हूँ। खजूर, where is this? छोड़ूंगी नहीं आज इसको, his nut and bolt। क्या हो गया मैडम? क्या हो गया? स्कूल से कब चोरी करके भागा है? अब बताइए पैसे कौन देगा, आप या उसके पापा? क्या मैडम आप इतनी खूबसूरत लड़की हो गई, आप क्या 5 रुपए के कप के पीछे भाग रही हैं? आपको तो अपने बच्चों के पीछे भागना चाहिए। अरे बच्चे तो तभी होंगे ना जब मेरी शादी होगी, यू नो, नो अंडा विदाउट मुर्गी। शादी तो तभी होगी ना जब कोई लड़का देखोगी। लड़का तभी देखोगी ना जब कोई पसंद आएगा। तो पसंद तो तभी आएगा ना जब सामने बैठे लड़के को ध्यान से देखोगी। नहीं नहीं, सिद्धू जी तो मेरे जेठ के बड़े भाई लगते हैं। अरे सिद्धू जी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ। अरे ऐसे किसे पसंद करो, पता होना चाहिए लड़की का चाल चलन कैसा है, लड़का मतलब हाउ ईट हाउ वॉक हाउ टॉक, ऐसे थोड़ी आफ्टर मैरिज इज यू नो नॉट अ जोक। अरे मेरे पास 50 करोड़ की जायदाद है। नाउ दिस इज अ जोक। तेरी बात सुनो, आप सिर्फ 2 दिन के लिए शादी करनी है, जैसे पैसे अंदर आए आप बाहर, मैं अपने रास्ते आप अपने रास्ते, उसमें क्या है? आई जस्ट कम। ओके यार कुछ हां या ना तो बता के जाओ। वाह कपिल शर्मा वाह, अब मुझे पता चला कि तुम खजूर को यहाँ पर अपनी वाइफ क्यों बना रहे थे। ना तो खजूर यहाँ पर आएगा और ना ये टीचर यहाँ पर आएगी, ये जलील काम करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये काम मैं करूंगा। अब मैं अमीर हो गया हूँ, आपको पता है 50 करोड़ में से पार्टनरशिप मेरे को भी मिलने वाली है। कौन देगा तुझे? आप और कौन? इधर मुंह कर। तेरे को किसने कहा था मैं पार्टनरशिप दूंगा? आपने, आपको पता है ऐसे आदमी को मारने के लिए लोग 50-50 रुपए की सुपारी ले लेते हैं, तू लेगा करोड़ों की? चलो ठीक है मैं मजाक कर रहा था शर्मा, आप एक काम करना, आप मेरे को सिर्फ 10,000 रुपए दे देना, मैं आपकी वाइफ बन जाऊंगा। चल फटाफट जा, मेरी वाइफ बन के शाम को 5 बजे पूरा पहुंच जाना ठीक है। भाग जा, भाग जा फटाफट, चलो। पाजी अब देखना करोड़ों रुपए कैसे अंदर करता हूं मैं। जुगाड़ लगाया यार। नानी मुझे आपसे बहस नहीं करनी पापा। ए यार ये क्या बात होती है, तूने कप्पू को शादी के लिए मना क्यों किया मेरे को ये बता। अरे लेकिन कप्पू तो सिर्फ 2 दिन के लिए शादी करना चाहते, मैं नहीं करूंगी। ऐसा तो वो सोच रहा है ना, हमारे यहाँ जब पेशेंट आता है 2 दिन का सोच के हम उसको जाने देते हैं, परमानेंट कर देते हैं ना उसको। That way. ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब शादी के लिए 1 करोड़ रुपए का मौका है बेटे, ये मत छोड़। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे आपसे बात नहीं करनी। हटिए आप, मुझे बात करने के लिए बोल के कौन रहा है? मैं कह रहा हूँ सुन मेरी बात। नहीं सुननी मुझे। अरे यार तूने कप्पू, देख बेटा जैसे तूने बोला था वैसे बंदोबस्त मैंने कर दिया, दुल्हन का इंतजाम हो जाएगा ना सारी सेटिंग कर ली मैंने। नानी तू चिंता मत कर, रख दे मिठाई। वाह भाई वाह, आज तो मेरे स्वागत के लिए मिठाई रखी है मैंने। नानी ये क्या किया तूने? ताकि ये मोया खा ना सके, लिखा। लेकिन मेरी आई साइड भी 6x6 है, थूक तो ऊपर है नीचे थोड़ी के लिए है भाई। देखो भाई खुशखबरी आने वाली है, इसलिए अच्छी अच्छी बातें करो। आपको कैसे पता खुशखबरी के बारे में? देखो भाई इश्क मुश्क और दादा की जायदाद छिपाए नहीं छिपे। लो वकील साहब आ भी गए। नमस्ते भाई, नमस्ते 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 जी, नमस्ते नमस्ते। बताइए शर्मा जी का घर यही है? ये नहीं, ये तो काजू कतली है जी। अरे भाई काजू कतली तो मेरी कमजोरी है। कमजोरी है आपकी? पल्स चेक करता हूँ, दिखाइए। अगर कमजोरी है ना तो आप मेरे हॉस्पिटल में आइए, मैं आपका इलाज कर दूँ। मैं यहाँ पर इलाज करवाने नहीं आया हूँ, ये शर्मा जी की वसीयत देने आया हूँ बस। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, आप बैठिए तो सही, बैठिए तो सही, इधर आराम से बैठिए। मैं जी शर्मा जी। आप अपनी बीवी को बुलाइए। देखिए वैसे मेरे पास भी ज्यादा टाइम है नहीं, मेरी खुद की बीवी डिलीवरी करने वाली है। आपकी बीवी की अभी डिलीवरी है ना, तो हमारे यहाँ करवाइए, हमारे यहाँ स्कीम भी चल रही है। आधा घंटा अगर डिले हुआ ना हमारी तरफ से तो एक की बजाय हम 2 बच्चे देंगे। एक के साथ एक बच्चा फ्री। और वैसे कमाल की बात है डॉक्टर साहब, आपकी बीवी प्रेग्नेंट आप भी, ऐसे कैसे? चलिए आप अपनी बीवी को बुलाइए, जरा जल्दी बुलाइए।
बुला ले, बुला चंदन ले। चंदन आपकी बीवी का नाम चंदन है? नहीं 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 चंदन नहीं है जी, बीवी का नाम चांदनी है, चांदनी। मैं प्यार से चंदन बुलाता हूँ, बैठिए आप। नहीं नहीं नहीं, लेकिन प्यार दिखाई नहीं दे रहा, आप तो काफी गुस्से से बुला रहे हैं। आप वसीयत देने आए कि मेरा चेहरा पढ़ने आए आप? प्यार से बुला, प्यार से बुला। चंदन, चंदन। मुझे ऐसे लग रहा है चंदन जो है ना मैके चले गई है, मैं जरा देख आती हूँ। चंदन। अरे मैके कैसे चली गई, आपको पता है आपकी बीवी यहाँ पर नहीं होगी तो आपकी ये जायदाद मैं आपको नहीं दे सकता। मैं लेके आता हूँ, जाके खुद जाके आता हूँ। एक मिनट, इधर कहाँ जा रहे हो भाई? तुम्हारी वाइफ के मायके तो इधर है। अच्छा, मायका इधर है? हाँ। अरे आपको पता नहीं आपके बीवी का मायका किधर है? इनको पता है कैसे? क्योंकि मैं ससुर हूँ। थोड़ी देर पहले तो आपने बताया कि आप डॉक्टर हैं, आप ससुर कब बन गए? डॉक्टर ससुर नहीं हो सकते क्या? ये क्या बात है? जब से चिट्ठी आई है मैं ससुर बन गया। यही मतलब चिट्ठी आई मतलब ये ना क्या, बहुत प्यार करते हैं, चिट्ठियां लिखते रहते हैं, जब चिट्ठी नहीं लिख पाते तो ये खुद आ जाते हैं। ससुर जी आइए ना, आप खड़े क्यों हैं? आइए इधर बैठिए, इधर बैठिए ससुर जी, इधर बैठिए आप, इधर बैठिए आप, इधर बैठिए, बैठिए, आइए ससुर जी बैठिए। ससुर जी बुलाइए ना बेटी को। हाँ मैं बुलाता हूँ। चरला, एक मिनट चरला। हाँ। आपने अभी अभी बताया आपकी बीवी का नाम चंदन है। हाँ। उन्होंने बुलाया सरला। देखिए वो एक्चुअली क्या है ना कि उसका नाम पूरा है सरला चंदन। सरला चंदन? हाँ। जी आपका नाम शर्मा है, वो सरला चंदन है, कैसे? आपको बुरा लगा तो गोटियां रख देते, उसका नाम बताओ। आप जैसा ठीक समझे। आपने अभी अभी बताया उनका नाम चांदनी है, आप प्यार से चंदन बुलाते हैं, ये सरला बुला रहे हैं। लेट मी क्लैरिफाई फर्स्ट, मौका देंगे आप? तो लीजिए। सरला उसकी मम्मी का नाम है, तो जब वो गली से निकलती है बेटी तो सब कहते हैं देखो सरला की चांदनी आ गई। हाँ, तो आपने पहले, मैंने अभी आधा नाम लिया था, आपने पूरा नाम लेने का मौका नहीं दिया। मैं लेता हूँ की चांदनी, सरला की चांदनी। आई, 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 आई। अच्छा ये लीजिए, पूरा नाम लेंगे तो आएगा। आई पापा, आई। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते। आपने कुछ लिया? अरे नहीं नहीं, बस आप ही का इंतजार। नहीं कोई नहीं, ले लेते इतनी क्या, आपने करे। कप्पू 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 कप्पू, वो चंदन पता नहीं कहां मर गया, अब बीवी कहां से आएगी? बीवी कहां से, क्या मतलब, सामने तो बैठी हुई है। ये कैसे मान गई, इसने तो मना किया था। मना मना किया था मतलब? आपको नहीं पता? नहीं, हमारे जब खानदान में शादी होती ना तो बीवी पहले मना कर देती है। हाँ, मेरे भी जब बाप की शादी हुई तो माँ ने मना कर दिया था, इसलिए पिताजी कुंवारे रह गए थे। तो फिर आप कहाँ से आए? मैं तो फिर पिताजी ने दूसरी शादी की ना, उस हिसाब से आया। ओहो हो, अच्छा 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 अच्छा, चलिए कोई नहीं। आप लोग जरा बताइए कि आप दोनों की शादी को कितने साल हो गए? पांच। आपने कहा पांच। अब आदमी को तो आपको पता ही, एक शादी एक साल तो मतलब पांच के बराबर ही लगता है ना। उस हिसाब से मतलब सही बात है, वैसे आपकी बात सही है, मेरी भी एक साल की शादी मुझे 10 साल से भी भारी लगी। भारी तो आपकी बीवी को लगा होगा मेरे को लगता है। चलिए बताइए कि आप दोनों के बच्चे कितने हैं? एक। पांच। आप कह रहे हैं एक, वो कह रहे हैं पांच, मतलब ये क्या कोई नया लॉजिक देने वाले हैं कि पिछला वाला ही चेप दूं? वकील साहब, वकील साहब, कहाँ बच्चों के चक्कर में फंस रहे हैं आप, बस जायदाद की पेपर हमें दे दीजिए। हाँ बस सब तैयार कर ही रहा हूँ, तो मैरिज सर्टिफिकेट लाइए आप। सर्टिफिकेट तो गाय खा गई। गाय तो चारा खाती है। तो गाय के पास और कोई चारा नहीं था तो वो सर्टिफिकेट खा गई। सर्टिफिकेट नहीं होगा तो मैं आपको आपकी जायदाद नहीं दे सकता। ठीक है, मैं बना के लाती हूँ। क्या सर्टिफिकेट बना के लाती हूँ? नहीं, ये चाय बना के लाती है। सर्टिफिकेट मैं बना के लाता हूँ। आपका पहला जो निलानी है जो आप सर्टिफिकेट बना के लाते हैं? नहीं, मेरा मतलब कि मैं आई एम डॉक्टर, डॉक्टर मशहूर गुलाटी, तो मैं सर्टिफिकेट वगैरह मेडिकल बनाते रहता हूँ, तो मैं उस हिसाब से करता कि वो सर्टिफिकेट बनाता हूँ, ये मैं ढूंढ के लाता हूँ। जाइए जाइए जल्दी जाइए। हाँ बेटा, ढूंढ जल्दी जाइए, जल्दी जाइए, लाइए लाइए। हाँ तो बताइए, आपने अपनी बीवी का नाम क्या बताया? विद्यापति। क्या नाम बताया अपनी बीवी का? विद्यापति। विद्या विद्यापति जी। ये कौन है? मैं विद्यापति, ये मेरे पति, मैं इनकी बीवी। आपकी दो दो बीवियां हैं?
ये क्या हो रहा है, क्या हो क्या रहा है आपकी? दो आपको बताता हूँ, एक्चुअली ना ये मेरी बीवी नहीं है, ये मेरी बीवी की बहन है। तो आपने कहा सुनी ना कि साली अधिगर वाली, तो ये थोड़ी पागल है, तो इसको यही लगता है कि मैं भी इसका पति हूँ। तो डॉक्टर ने बोला जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती हमें मानना पड़ेगा। मैं तो छींक आ रही थी। इतना रोला दिया मोटे, अब तो जायदाद के पेपर दे दे। सही है लीजिए, आपके जायदाद के पेपर ले लीजिए। आइए उधर बैठ बैठ जी, बैठ जी। हाँ बैठ जाते हैं, बैठ जाते हैं। हाँ तो बताइए आपकी बीवी का नाम क्या बताया आपने? चंदन। ए, ये कौन है? अब ये कोई नहीं है जी, ऐसे साड़ी पहन के बच्चे उठाता है। चलो। ऐसे नहीं जाना मैंने। हाँ मैं बता रही हूँ, आपके से शादी के 7 फेरे लिए हैं, मैं आपकी बीवी हूँ। मर तो जैसे मुक्के मार रही है ये, मेरी बीवी कैसे हो सकती है? Shut up and head up. No, no. चुप कर। चाय वाले? चाय वाला? चाय वाला कौन? चाय वाले जैसे शक्ल वाले? तू भी चुप कर, टीचर जैसी शक्ल वाली। मैरिज सर्टिफिकेट रेडी हो गया जी। लाइए लाइए, मैरिज सर्टिफिकेट गया भाड़ में। आप पहले मुझे ये बताइए, यहाँ पर ये लड़की कह रही है कि ये आपकी बीवी है, ये कह रही है कि ये आपकी बीवी है, आप कह रहे हैं कि ये आपकी बीवी है, कौन है आपकी बीवी? अरे मैं हूँ इनकी बीवी। ए, टीचर की बच्ची, कप्पू मेरा पति है। छिपकली चुप कर, मेरा पति है वो। कप्पू तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, ये मुझे छिपकली कह रही है। तो ठीक तो बोल रही, मैं क्या बोलूं? क्या बोलना पड़ेगा आपको, बोलना पड़ेगा। आपकी तीन तीन बीवियां हैं। देखिए मेरा इन बीवियों से कोई लेना देना नहीं है ज्यादा। ऐसे कैसे नहीं? अरे तुम्हें मेरे साथ 7 फेरे लेने हैं। हाँ? मेरे को 10,000 रुपए देने हैं और मुझे जायदाद में आधा हिस्सा देना है। देखिए वकील साहब, तीनों के हाथ में एक एक तलवार दे दो, आपस में लड़े, जो बच जाएगी वो मेरी बीवी, ठीक है? और क्या चाहिए आपको? काज उनकी तब को याक उठा कर भी देखा तो। ये अब ये कौन है? मैं इनकी लुगाई हूँ। ये भी आपकी बीवी है? ये भी है थोड़ी सी। अब आप जरा तलवार मंगा ही लीजिए, मुझ में घुसेड़ दीजिए तलवार। कप्पू, कप्पू, जंक लगा हुआ छुरा तैयार है, ले आऊं क्या? अपने पेट में मार ले। तो इसको किसने बुलाया यहाँ? हमें, इन्होंने बुलाया, इसलिए यहाँ चली आई। बताइए कहाँ साइन करना है? साइन करेगा, स्कूल में अपना नाम तो लिख नहीं पाता, बड़ा आया साइन करने वाला। आप तो इन्हें ऐसे डांट रही है जैसे आपकी स्टूडेंट है। बिल्कुल ठीक कह रहे मोटा भैया, ये मेरे स्कूल में पढ़ता है, स्टूडेंट है मेरा। जैसा बाप वैसा बेटा। खबरदार अगर मेरे को बीच में लाए तो आप साइड में खड़े रहिए उधर। अच्छा अभी साइड में खड़े कर रहे हो, तो मेरे को 10,000 रुपए के बदले पत्नी बना रहे थे। सबसे पहले मुझे बोला था। मुझे भी, मेरे को भी। समझ गया, सब कुछ समझ गया मैं। अपनी फिल्म में तो ये किया ही था, यहाँ पर भी तीन तीन लड़कियों को धोखा दिया है। मेरे साथ भी। हाँ हाँ वही वही, 3.25 लड़कियों को धोखा दिया है आपने। धोखा एक्चुअली आपको दे रहे हैं। मुझे दे रहे हैं मतलब? मतलब पता नहीं मेरे मुंह से निकल गया। मतलब क्या वकील साहब, हर बात में मतलब बड़े मतलब इंसान है आप। हर बात मतलब के लिए नहीं होती, कुछ चीजें इंसानियत के नाते भी होती हैं। अच्छा ये 3 लड़कियों से शादी आपने इंसानियत के नाते की है? आप सच सुनना चाहते हैं? हाँ सुना दीजिए। नानी पीछे हो, तब तक सोचने का टाइम मिलेगा, चल। देखिए ये जो लड़की है ना, ये मेरी माँ को पसंद थी तो मुझे इससे शादी करनी पड़ी, ये मेरे बाप को पसंद थी इसलिए शादी की, ये किसी को नहीं पसंद थी इससे वैसे ही कर ली, और ये मेरे बच्चों को पसंद थी इसलिए शादी की। अब आप जायदाद के पेपर में नाम करो, निकलो यार, कितना और बनाते रहे लॉजिक, बड़ा मुश्किल होता है। और देखिए वैसे भी मेरे दादा ने क्या लिखा था, कि लड़के की शादी हुई होनी चाहिए, ये तो लिखा था कि 4 हुई है या 5 हुई है, दादा को क्या लेना देना, उसकी तो खुद 6 हुई थी। और ये रहा मैरिज सर्टिफिकेट, ये चेक करना पड़ेगा क्या लिखा था दादा ने, क्या लिखा था? रुके, अरे भाई साहब वो चिट्ठी मुझे दे दीजिए, गलती से दे गया था। क्यों? वो कप्पू शर्मा नहीं पप्पू शर्मा की है, मैं आपको गलती से दे गया था। साले तेरे चक्कर में 4 शादियां कर ली मैंने, पकड़ो इसने क्या काम कर दिया, इसने क्या काम कर।
गलती तेरे बाप से हुई, चिट्ठियां दे, चल चल पकड़ उसको। पाजी आजकल ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मतलब संतुलन बिगड़ता जा रहा है। उसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि कारण जो है वो भी मनुष्य है, खुद है, हम सब लोग जिम्मेदार हैं। बिकॉज पेड़ काटे जाते हैं लाखों की तादाद में, लेकिन आज की डेट में कोई ऐसा नहीं करता कि कहीं पे जाके एक पेड़ उगाया जाए उसकी जिम्मेदारी ले। सो एक ये बड़ा ही मुझे लगता है कि नोबल कॉज है और हम सबको मिलकर इसके लिए काम करना चाहिए, अपने एनवायरमेंट के लिए काम करना चाहिए, इस पृथ्वी के लिए काम करना चाहिए। सो आज इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ बड़े ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर और फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, सुधीर बाऊ जी। सुधीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो सुधीर बाऊ आप ये बताइए कि आप एनवायरनमेंट के लिए क्या क्या कर रहे हैं। कपिल जी, हमने 2 करोड़ वृक्ष एक जगह को लगाने का नहीं तो उसका संवर्धन करने की जिम्मेदारी ली है। वाह। और उसमें लोग शामिल होना चाहिए, लोग सहभाग बढ़ना चाहिए और सकारात्मक भूमिका के साथ। जी सर जी, पेड़ क्या कहता है ये तो सुन लो। पेड़ कहता है पत्तों से लदे पेड़ हैं, पत्तों से लदे पेड़ हैं छाया के काम आएंगे, यदि कट भी गए तो कहीं जलने के काम आएंगे। वाह। शास्त्रों में लिखा हुआ आता है कि पवन गुरु जी, पानी पिता, माता तर्त महत, माता का दर्जा पृथ्वी को दिया गया है। और वो क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पे एक ही चीज ऐसी है जो हम शेयर करते हैं, जो ना तेरी है ना मेरी है, हम सबकी है, वो है श्वास जी, वो है हवा। और मिनिस्टर साहब इतने सारे पेड़ लगा के उस हवा को स्वच्छ करने का काम कर रहे हैं। 21 पुश्तें पीछे और 21 पुश्तें आगे तरेंगी, और यही नहीं अपने आने वाली जनरेशन को ये पेड़ दे के जाएंगे, पेड़ ये लगाएंगे, फल वो खाएंगे। पता है? अरे सुधीर बाबू, जैसे मैंने भी हाल ही में हिमाचल घूमने गया तो वहां पे मुझे एक पेड़ लगाने का मौका मिला। तो मैंने उनसे पूछा बकायदा कि इसका टेक केयर कौन करेगा, तो होटल मैनेजमेंट ने कहा कि हम लोग इसका टेक केयर करेंगे। अब आपने 1 करोड़ पेड़, जो कि बहुत अच्छी बात है, पर उसका ध्यान रखने के लिए, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखो ऐसा है कि लोकसभा से तो 50 लाख का हम ध्यान रखने वाले हैं जी, वन विभाग खुद 1 करोड़ 50 लाख, जिसपे 1000 पेड़ों के पीछे एक व्यक्ति काम करेगा। okay. और जितना पेड़ वो जिंदा रखेगा उतनी ही मजदूरी उसको मिलेगी, परफॉर्मेंस बेस उसकी मजदूरी। बहुत अच्छी बात। सुधीर बाबू आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और भगवान आपको और शक्ति दे, आप ऐसे अच्छा काम करते रहे और तमाम देशवासी आपके साथ हैं। आप सब लोग भी जब कभी मौका मिले अपने घर के आसपास एक पेड़ जरूर लगाएं, ताकि उसका फल आपको नहीं तो आपके आने वाली जनरेशन को, आपके बच्चे जो हैं वो एक खुले में सांस ले सकें, और हमारा भारतीय नहीं पूरा विश्व जो है वो जो अब इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है उस प्रॉब्लम से हम लोग काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं, अगर हम लोग इंडिविजुअली इस चीज़ की जिम्मेदारी लें। अच्छा सुधीर बाबू, एक छोटा सा क्वेश्चन है, पर्सनल क्वेश्चन है, मतलब जैसे कभी कभी हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं कि रुपया गिरता जा रहा है, तो हम लोग अपने नहीं छाप सकते नोट अपने हिसाब से? वैसे आइडिया कैसे गिरता है सुधीर बाबू, मैं जानना चाहता हूँ। आइडिया अच्छी है जी, जी हम भी यही चाहते हैं कि रुपया जो है जी वो गिर रहा है जी, छापने के लिए तो पेड़ लगा रहे ना, जब पेड़ हो गए तो कागज कागज से नोट बनेगा। ओके। अभी तो वृक्ष लगाएंगे, फिर कागज बनाकर अपने खुद के नोट छापेंगे। शुक्रिया आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे शो में आए, थैंक यू सो मच। आज हमारी शांतिवन सोसाइटी में बड़े ही कमाल कमाल के गेस्ट आ रहे हैं, हमेशा ही एक तो वो है जो बड़े ही बाकमाल एक्टर है, मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और दूसरे वो हैं जिन्होंने अपनी पहली फिल्म मसान से ढेर सारी वाहवाही बटोरी है, बड़े ही कमाल के एक्टर हैं विक्की कौशल। और तीसरे वो हैं जो आजकल बहुत ही सुर्खियों में है फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर, इन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, बहुत ही कमाल के उमदा डायरेक्टर हैं, मिस्टर अनुराग कश्यप। भाई हमें पता है बहुत भाग दौड़ की आपने, थके होंगे, आते पहले बैठिए और मैं कोई बात नहीं करूंगा। सबसे पहले तो आप तीनों का शो में बहुत बहुत स्वागत है पाजी। हाँ जी, मैं अनुराग भाई को सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ। अनुराग भाई बधाई हो उड़ता पंजाब के लिए, हालांकि फिल्म मैंने अभी नहीं देखी है, मैं बधाई उस बात की दे रहा हूँ जो जंग जीत के ये वो फिल्म दुनिया के सामने लाए हैं, उसके लिए बधाई। अच्छा मैं शुक्र कर रहा हूँ ऊपर वाले का, नहीं तो मुझे लगा था अनुराग भाई पूरे आएंगे, इनका कश्यप कोई काट लेगा, बड़ा माहौल चल रहा है पाजी, सेंसर कट बहुत चल रहे हैं। अच्छा अनुराग भाई एक बात बताइए सीरियसली, ये जो आपका बियर्ड हेयर कट है
ये आपका अपना आइडिया कि ये भी सेंसर ने कट किया है? ये एक्चुअली क्या है, सेंसर जो फिल्म पे ज्यादा फोकस कर रहा था जी, तो दाढ़ी मूछ भूल गए सब, तो ये काफी समय से कट नहीं पाया क्योंकि समय नहीं मिला। ऑब्वियसली आपको समय नहीं मिला, पर फाइनली इट्स रिलीज नाउ। अनुराग भाई की एक और फिल्म आ रही है रमन राघव, जिसमें नवाज भाई जो है वो एक साइको किलर का रोल निभा रहे हैं और विक्की जो है वो एक इंस्पेक्टर का रोल निभा रहे हैं। अच्छा नवाज भाई, जब भी कोई आदमी मुंबई में स्ट्रगल करने आता है, पाजी सबका सपना होता है कि हम लोग हीरोइंस के साथ रोमांस करें, फॉरेन लोकेशंस पे जाएं, अच्छे अच्छे सीन करें। अच्छा आपको देख के ऐसा लगता है आप ये सोच के आए थे कि मैं जाऊं कत्ल करूं, गालियां दूं, बैंक लूटूं, तो आप ऐसे रोल दिल से करते हैं कि ऑफर ही ऐसे होते हैं आपको? नहीं नहीं, मुझे एक्चुअली हीरोइन भी एक ऑफर हुई थी, अभी मैं एक फिल्म कर रहा था तो उसके साथ कुछ इंटीमेट सीन होने थे, वो भाग गई थी। अभी रिसेंटली की बात है, तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अभी कोई हीरोइन तो आने वाली है नहीं, तो किसी जैसे पुरानी फिल्मों में होता था ना, लड़के लड़की का पार्ट करते थे पुराने जमाने में, हमारे जमाने में भी है, हमारे अपने शो में आपको कई लड़के मिल जाएंगे। अच्छा नवाज भाई सीरियसली, अगर आपको कोई मुंह मांगा पैसा ऑफर करे और कहे कि रोल भी आपको अपनी मर्जी का करना है, तो किस तरीके का रोल करना चाहेंगे आप? मैं तो ऑफकोर्स रोमांटिक रोल करना चाहूंगा। अरमान तो वही थे, ये भी ये मिल गए, इन्होंने कत्लेआम मचा दिया मेरी लाइफ में। अच्छा राघव भाई, आप सालों से एक दूसरे को जानते हो, बहुत सालों से यार दोस्त हैं, आपने कभी नहीं सोचा कि मैं अपने यार दोस्त की चाहत पूरी करूं, ऐसा कोई कराया हमने वासेपुर में था ना, इतना अच्छा रोमांटिक सीन, वो परमिशन वाला थोड़ा सा बाद में गोलियां 250 चलवा दी, पहले तो ठीक है। अच्छा हर आदमी अपने रोल के लिए तैयारी करता है, विक्की के बारे में हमने सुना कि उन्होंने 5 दिन तक अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, ना कोई मोबाइल ना कोई न्यूज़पेपर। कमरे में बंद कर लिया? कमरे में बंद कर लिया, कोई टीवी नहीं, कोई न्यूज़पेपर नहीं, कोई मोबाइल नहीं। आपको किसी ने बताया नहीं कि ये टेक्निक तो वो करना चाहिए जो कैदी का रोल कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये सब अवेलेबल नहीं होता? आप मतलब इसके पीछे लॉजिक क्या था विक्की? एक्चुअली सर का फोन आया था मुझे कि मैं रमन राघव बना रहा हूँ और एक सीरियल किलर और कॉप की कहानी है जी, मैं चाह रहा हूँ कि तुम कॉप का रोल करो, तो 5 दिन बाद मेरा ऑडिशन था। अच्छा, तो सर ने मुझे एनकरेज एक अलग तरीके से किया कि पहले ये लाइन बता के कि मुझे नहीं लग रहा तू कर पाएगा। अच्छा, मैंने कहा ये क्या हो गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, अब तो जान लगा दूंगा। तो फिर जो उन्होंने बोला था कि नहीं तू बहुत सिक्योर बैकग्राउंड से आया है, फैमिली बहुत अच्छी है, अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी है और ये जानते हैं ये सब कुछ जी। मैंने कहा यार मुझे ना थोड़ा सा वो आइसोलेशन बहुत ज़रूरी होगा, तो मैं इस वजह से हल्का सा अपने आप को कट ऑफ करने के लिए अकेलेपन में रह रहा था। अच्छा। और कुछ एक वो डार्क कैरेक्टर है, ट्विस्टेड सा कैरेक्टर है, तो वो अपने अंदर ही कुछ डार्क एलिमेंट्स की खोज के लिए वो कर रहा था। मुझे पता नहीं था उसमें वो मुझे काम आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, बट इवेंचुअली अच्छा ही हुआ कि काम आ गया। तो आपने कहा कि अनुराग भाई ने कहा कि तूने ये सब कुछ देखा नहीं है, शायद तू कर नहीं पाएगा, तो अनुराग भाई ये आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा चाकू छुरियाँ चलाते थे पहले? इनको भी तो आपने कास्ट किया है ना? नहीं, इनको क्या ना, फिल्म दर फिल्म ट्राई करता है ना, मैं तो सब चीज़ करवा के देख चुका हूँ। अच्छा, अच्छा अनुराग भाई, रमन राघव तो ठीक है, आगे 2.0 के आपने टी शर्ट भी पहनी हुई है ये। नहीं, रमन राघव क्या, हमें बनानी थी फिल्म रमन राघव। रमन राघव जो था 60s में सीरियल किलर, अब उसने इतने सारे लोगों को मारा था, उसकी कहानी थी, वो पीरियड फिल्म थी जी, पीरियड फिल्म पे खर्चा होता है जी। मैंने एक बहुत कमाल की पीरियड फिल्म पिछले साल बनाई थी, बॉम्बे वेलवेट। ढेर सारी शुभकामनाएं, अगले हफ्ते ये भी रिलीज हो रही है, कमिंग फ्राइडे को। नवाज भाई, ये फिल्म का जो शूट है रमन राघव का, ज्यादातर चौल दिखाई गई है कि वो सीरियल किलर जो है वो चौल में रहता है, तो भाई आपने बहुत स्ट्रगल किया है मुंबई में, आपको तो एट होम फील हुआ होगा ऐसी सिचुएशन में काम करना? मतलब मुझे तो मारना भी एट होम फील होता है। क्या क्या किया आपने स्ट्रगलिंग के दिनों में? नवाज भाई, आपने इतनी मेहनत की, इतना स्ट्रगल किया, इतना धूप छाम देखी आपने, आपने जब स्ट्रगल कर रहे थे, आपने कभी मतलब ऐसे सोचा कि एक दिन मैं बॉम्बे में वेलवेट के सोफे पे बैठ के इंटरव्यू दूंगा? इच्छा तो ये थी कि बॉम्बे वेलवेट ऐसे मुकाम पे ले जाएगी कि सब सोफे वेलवेट के हो जाएंगे, अब ये नहीं पता था कि बेंचेज आ जाएंगे। भाजी आपको पता है हिंदुस्तान में दो लोग हैं जो फैमिली फिल्म बनाते हैं, एक है सूरज बड़जात्या साहब, दूसरे है अनुराग भाई, अनुराग कश्यप, लेकिन दोनों का फ्लेवर अलग है। जैसे सूरज बड़जात्या की फिल्मों में माँ बहनें दिखाई देती हैं, इनकी फिल्मों में माँ बहनें सुनाई देती हैं। नहीं सीरियसली,
अच्छा अच्छा सीरियसली सच है। अच्छा आप देखो सूर्यपट जाता है फिल्म में ना, उनके बाप भाई काम पे जाते हैं, इनकी फिल्मों में जान से ही जाते हैं। मेरे ऐसे दिमाग में था कि अगर हम आपके हैं कौन जैसी फिल्म, अगर सूरज बढ़ जाता साहब ने नहीं बनाई होती, अनुराग भाई ने बनाई होती, हाँ। तो कैसे बनाते? हाँ। मान लो ऐसे नवाज भाई आप सलमान खान हो और विक्की आप माधुरी हैं, हाँ। दाढ़ी वाली माधुरी, हाँ। गुलेल हमारे पास है पूरा प्रॉप बजट फुल सोनी टीवी स्पेंडिंग सो मच, तो ये लीजिए। तो इतने सीरियस एक्टर अब ये बनेंगे सलमान खान, आप बनेंगे माधुरी। ये सूरज जी का फिल्म नहीं कर रहा है ना, मेरा फिल्म कर रहा है। आपकी फिल्म है। हाँ तो सर ये फिर आप माधुरी आप उधर देखिए। सर प्लीज आप गाना प्ले करिए। बस करो भाई, 6 गोलियां 12 मार दी आपने। देखो ये मैंने पीठ पे वार होते देखा पर पिछवाड़े पे वार होता नहीं देखा। हमने गुलाल में किया था ऐसा एक बार। गुलाल में कोई भी नहीं आपने छोड़े, हर जगह गोलियां चला बैठे हैं। बैठिए सर प्लीज। अच्छा पाजी, आजकल निजी जिंदगी के ऊपर बहुत सारी फिल्में बन रही हैं और तकरीबन बन रही हैं फेमस पर्सनालिटीज के ऊपर, लेकिन हमारे शो में जितने भी लोग आते हैं आम लोग आते हैं, क्योंकि हर एक आदमी की जिंदगी जो होती है वो एक कहानी होती है। आप में से मेरे जितने भाई बहन बैठे हैं, आपको किसी को लगता है कि आपकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और उस पर बायोपिक बननी चाहिए? कोई है मेरा दोस्त यहाँ पे? जैसे एक्सप्रेशन दे रहे हो तुम्हारा MMS तो जरूर बनेगा कहीं का। क्या नाम है आपका भाई साहब? सर मेरा नाम है सतीश मतानी। कहाँ से आए आप? सर मैं जलगांव महाराष्ट्र से आया हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या स्टोरी है आपकी लाइफ की? सर बायोपिक तो नहीं, मैं कहना चाहूंगा एक छोटी सी क्यूट सी लव स्टोरी है मिलने और बिछड़ने की। अच्छा। बचपन में मैं सर बहुत ही मतलब नॉर्मल कैरेक्टर का लड़का था। हाँ जी बिल्कुल मंद था सर। सर बचपन में बिल्कुल इमैच्योर था सर मैं। बचपन में हम लोग कौन सा नॉवल लिखते थे भाई, सारे इमैच्योर होते हैं। तो फिर सर धीरे धीरे बड़ा हुआ। धीरे धीरे होते सारे। तो फिर सर जैसे ही मैं 10+2 में पहुंचा, जी मैं एक लड़की की तरफ अट्रैक्ट होते गया। 10+2 में? जी सर। बड़ी आग लगी थी। ग्रेजुएशन तो कर लेते पहले। तो फिर 10+2 में उसके पेरेंट्स ने सर रिजेक्ट कर दिया कि ये शादी नहीं हो सकती। अच्छा। तो सर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग घर से भाग जाएंगे। अच्छा। सर मैं स्टेशन पे बैग लेके गधे जैसा इंतजार कर रहा था। अच्छा। सर मैं किसी और ट्रेन के सामने खड़ा हूँ, वो किसी और ट्रेन में बैठ के चली गई। किसी और के साथ? वो पता नहीं सर। बैकग्राउंड म्यूजिक बड़ा कमाल का है। तो फिर उसके बाद सर मेरे एक दोस्त ने बताया उसकी शादी हो गई और सर हम एक मॉल इसी से तो नहीं हुई जो पीछे। नहीं सीरियसली दिल से हंस रहा है कि कील चुभ रही है। अच्छा तो फिर बाद में फिर मुलाकात नहीं हुई उससे? बाद में मुलाकात हुई सर एक मॉल में, देखा तो उसके हाथ में बच्चा था। कितने साल बाद मिले आप? लगभग 6 साल बाद। दूर फिटे मुंह। एक ही बच्चा था? हाँ सर। उसको पूछा नहीं 5 साल का और क्या किया? अरे चलो अच्छी बात है। तो मतलब तो आपको लगता है कि आपकी कहानी में फिल्म बननी चाहिए? जी सर। यार फर्स्ट हाफ ठीक था, री क्लाइमैक्स के टाइम मतलब इंटरवल तक ही बन सकती, उसके बाद नहीं, क्योंकि ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। भाई ये बन सकती इनकी लाइफ पे फिल्म के नहीं? मतलब ये इनकी लाइफ पे फिल्म तब बन सकती है अगर ये बाद में फिर गुस्से में जाके लड़की को मर्डर कर देते। ये गाना भी दे देते। मुझे पता था अनुराग भाई कहते मॉल में मिली गोली क्यों नहीं मारी? पहले तो उसी दोस्त को गोली मारते जिसने खबर दी थी। अच्छा उसने कहा क्या कि मामा से मिलो? ऐसे बच्चे को क्या बोला? कुछ नहीं कहा सर। कुछ नहीं कहा सर। वो आए उसने मुझे पहचाना सर मॉल में, मैं तो उसको पहचान भी नहीं रहा था क्योंकि बच्चा हो गया था सर, मोटी हो गई थी। चलो भगवान आपको खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और कोई मेरे दोस्त जिनको लगता है कि उनकी जिंदगी में फिल्म बननी चाहिए? द कपिल शर्मा शो। ये टी शर्ट कहाँ से लिया आपने? सर स्ट्रगल करके सर। सर मैं ये एक महीने से मुंबई में ये टी शर्ट ढूंढ रहा था, नहीं मिली। ये मैं सूरत से लेके आया। फिर ये कौन बेचता है ये शर्ट? बेचता नहीं है सर। सर ये प्रिंट करवाया डाई करके। किसी ने तो छापा ही होगा इसको। हाँ सर। हाँ जी। एक वो दोस्त ने बताया था कुछ एड्रेस, उस पे गया था। नहीं अच्छा दोस्त स्पेशल आपके लिए सर। मुझे लगा ऐसे पीली टी शर्ट पहन के हमारे लोगों पे लेट गए होंगे। नहीं नहीं।
क्या नाम है ब्रदर आपका? पिंटू शर्मा है। कहाँ से हैं पिंटू जी आप? चूरू राजस्थान से, जहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है सर। सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और सबसे ज्यादा सर्दी भी पड़ती है। अच्छा, दोनों उधर क्या है जो वहाँ पे कम पड़ता है? ये तो चीज होगी जो कम पड़ती होगी, बारिश बारिश वहाँ पे। मुझे लगता है सर मुझ पे अनुराग सर को फिल्म बनानी चाहिए सर। मैंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में सर, क्योंकि मैं बचपन में जब छोटा था तो अच्छा बचपन में आप छोटे थे, स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी। एक आदमी बचपन में बहुत छोटा था सर, जब बचपन में सर जब मैंने पतंग लूटने में बहुत स्ट्रगल किया सर। 5 साल मैंने पतंग लूटे जब मैं छोटा था तो, और फिर पतंग में जब स्ट्रगल में मैं कामयाब नहीं हो सका तो फिर सर कामयाब मतलब पतंग हाथ नहीं आई। 5 साल में एक भी पतंग हाथ नहीं आई? आई थी लेकिन सर वो फिर अब फाड़ से फाड़ से दी, 3-4 दोनों ने फाड़ दी। बहुत स्ट्रगल किया अभी बंदे ने पतंग बचपन से लेके अभी तक। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर सर दोस्तों ने कहा कि हाइट है, बॉडी है, तू स्मार्ट भी है तो तू एक्टर बन सकता है। कहा किसी ने? हाँ सर, पहले उन दोस्तों को छोड़ो, झूठ बोल रहे हो आप। आपके पेट का बस चल ना, टी शर्ट उठा के बाहर आ जाए। मेरा अपना बढ़ गया, मैं क्या बोलूं सर। अच्छा। अभी अभी आ रहा है सर, अभी स्ट्रगल के दिनों में आ रहा है अभी अभी। अच्छा अभी आ रहा है तो सर। स्ट्रगल के दिनों मैंने लोग पतले होते देखे बंदा मतलब। अच्छा चलो अच्छी बात है यार सर, इसे स्ट्रगल हो रही, खाती भी स्ट्रगल होनी चाहिए। मेन बात ये हुई थी कि स्टोरी आपकी इंस्पायरिंग है, अगर बायोपिक बन सके तो। हाँ सर, मैं ऑडिशन पे बन सकती है कि ऑडिशन एक बंदा दे रहा है लेकिन उसकी कोई उसको अभी तक चांस नहीं मिला इस पर। सर मैं बताऊं आपको, आपके हाथ में पतंग नहीं है, आपके हाथ में रोल नहीं आया, मेरे हाथ में बॉक्स ऑफिस नहीं आएगा। नहीं सर। अच्छा अभी आपके सामने अनुराग भाई बैठे हुए हैं। हाँ सर। आप इनका एक डायलॉग सर मूवी का मैं बोल सकता हूँ? हाँ हाँ प्लीज इधर आके बोल दो। बंदूक क्या देख लेना, गलत बोला तो पता पर पता नहीं। सर आप एक बुरी पॉकेट नाम है ना आपका, आपका नाम रहेगा पॉकेट, मैं नाम कहता हूँ आपको, आपका नाम पॉकेट। क्या क्या आप क्या बोलेंगे? नाम क्या है? रमन राघव। अच्छा नहीं, अच्छा ट्रेलर रमन राघव देखा आपने? सर रोज देखता हूँ सर, उसमें सब ज्यादा व्यूअर। तो एक ही बार देखो, दूसरे दिन बदल थोड़ी जाएगा वो। अच्छा तो आप इनसे पूछेंगे कुछ? हाँ, सर, हाँ। क्या पूछेंगे आप? नाम क्या है? पॉकेट। पॉकेट नाम। अच्छा तो जब पुलिस मुझसे पूछेगी क्यों मारा तो मैं तो कहूँगा मैंने पॉकेट मारा। पूरा मतलब एक एक पंचलाइन था, एक पंचलाइन था पिक्चर पे, उसको अभी आपने रायता बना दिया। सर या तो इस पे हाथ रख लो या इस पे हाथ रख लो, दोनों में से एक पे। हाँ जी मैं टी शर्ट की दुकान खोलूंगा सर, आपका नाम है सर, आपका ही नाम है, या तो इस पे रख लो या इस पे। ये मैंने जिंदगी में पहली डिमांड देखी, इधर हाथ रख दो या इधर रख दो। स्ट्रगल इधर है, आपका नाम इधर है। नहीं नहीं अच्छी बात है, मैं कहता हूँ अंडर भी पहन आते, पीछे भी हाथ रखवा लो। थैंक यू ब्रदर यार, शुक्रिया। रिंकू भाजी आपको पूरा यकीन है क्या ऐसे फेस के साथ आप हीरोइन बन जाएंगी? अरे तुझे क्या मालूम ब्यूटी के बारे में, ऐसा फेस कट को ही आजकल मर्द लोग पसंद करता है। हाँ ऐसा ऐसे ऐसा ही थोड़ी हमको गोंडा की चित्रांगदा सिंह कहते हैं सब, बहुत अच्छा है। कहते होंगे हम। अरे देखिए। हाँ हाँ अंधी नहीं है, देख रहे हैं। देखिए क्या बड़े बड़े मेहमान आए। नमस्कार अनुराग जी। नमस्कार। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी आदा। अभी की जी व्हाट इज अप? यो। उभरे हुए सितारों को हमारा नमस्कार। हम है उभरती हुई सितारा रिंकू देवी। एक बात बताओ, आपके नाक और माथे के अलावा कौन सा सितारा उभरा है आपका? क्या मतलब? ए कपिल शर्मा का है ये, ऐसे कटाक्ष कटु शब्द का इस्तेमाल करते हैं आप, ऐसा कर करके हमारा बहुमूल्य समय नष्ट करते हैं खामखा। हम अपनी तरफ से आपसे कहना चाहेंगे चुप। गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। अरे तू
उभरती हुई सितारा की ननद है सर, रोड साइड इंटरव्यूअर के ऊपर चुप हुए चिल्लाती अच्छी नहीं लगती है। शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, चुप रह। हो गए। देखो तो कितने लोग बैठे हैं, हमको तो शर्म भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अनुराग कश्यप जी, हम आपके बहुत फाइन है पता है आपको। हाँ ये तो बहुत बड़ी फैन है आपका, फिल्म है वो गैंग द बसीपुर, इतनी बार देखे हैं, इतनी बार देखे हैं, शकल देख के ऑलमोस्ट मनोज वाजपेयी जैसा हो गया। इसका मतलब है फिर तो आपने किंग कॉन्ग बहुत बार देखी होगी। और हम बता दें आपको, उस फिल्म में मनोज वाजपेयी नहीं, हम नवाज जी का बहुत बड़ा फैन है उस पिक्चर में। सच में जब आप वो कहते हैं डायलॉग, बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा फैजल, बहुत मजा आता है। इतना सुनो, बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला फैजल लेगा, और फैजल का बदला कौन लेगा? अरे सबका बदला ले रहा है तो खुद का बदला नहीं ले सकता है क्या? ऐसा नहीं अनुराग जी, हम एक कहना चाहते हैं, एक रोमांटिक फिल्म बनाई है, उसके अंदर हम खूबसूरत हीरोइन को ले लीजिए, अभी साइन कर लीजिए, बाद में क्या होगा, हम लॉन्च हो गए तो फिर आपको डेट नहीं दे पाएंगे। नहीं नहीं रिंकू बाबूजी क्या कह रहे हैं, रोमांटिक फिल्म कहाँ बनाते हैं, इनको तो अगर कहे तो कि कुछ कुछ होता है बनाइए, तो ये खच खच होता है बना दे। चक्कू चुरी बंदूक के बिना बातें नहीं करते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, हमारे भैया जो हैं वो रिंकू भौजी को लेकर एक बहुत बड़ी फिल्म प्लान कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो अपने बैनर के तला ही बना रहे हैं। कौन सी फिल्म? उसी के लिए आए हैं हम लोग। उसका शूटिंग का नाम क्या है? लस्सी पी के लागलू सेक्सी नाम है। भोजपुरी फिल्म है, लस्सी पी के लागलू सेक्सी। उसके अंदर हम रहेंगे एक ब्यूटीफुल हीरोइन, और हीरो रहेंगे नवाज। लस्सी पी के लागेलू दस्त, लस्सी पी के लागेलू दस्त। तुम्हारे घर का नहीं पी रहे हैं लागेलू, हम अपना आप बना के पियेंगे। नवाज जी आप ऐसा कोई टेंशन ना लीजिए, देखिए आप अभी तक जो फिल्म किए हैं ज्यादातर आप सब ऐसे गांव, खेड़े, गली और चौल बॉल में शूटिंग किए हैं, लेकिन ये पिक्चर का जो गाना है वो सपने में हीरो हीरोइन विदेश जाते हैं। बजट है आपके पास? सपने में, सपने में पिक्चर काहे का बजट क्या कर रहे हो? सपने में गाना कर रहे हैं। अरे सपना तो लोगे, पब्लिक को तो दिखाओगे कि नहीं? हाँ तो वो तो क्या है, रिंकू भौजी के मुंह के अंदर कैमरा घुसेड़ देंगे, ऐसा घुमाएंगे, पर जिधर सपना आ रहा होगा उधर सारा शूटिंग हो जाएगा। थोड़ा तमीज से बात कर, घुसेड़ बिसेड़ क्या होता है? लगेगा तो तीन लोग बैठे हम नजर देते हैं, जिसने पहले भी पिक्चर बनाया है, अब लेकिन वो सेंसर बोर्ड ने उसके ऊपर वो क्या कहते हैं मना कर दिया, सेंसर बोर्ड। क्यों, आपके प्रॉब्लम क्या हुई? मतलब हमको समझ नहीं आया, वो पता नहीं बाद में कुछ बोले कि एक सीन से नहीं चलेगा, पूरा पिक्चर भेजिए तो ही सेंसर करेंगे। उतना ही बनाया था वो पास नहीं किया, तो फिर हम बाकी का जो फिल्म है वो शूट करने के लिए यहाँ आए हैं, तो अब आए हैं तो हम सोच रहे हैं शूट कर लीजिए, और उसके भैया प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमने उनका एक शर्त माना है, वो है कि पिक्चर में 4 आइटम सॉन्ग रहेगा इसका। ना ना उसका चिंता आप मत कीजिए, आप शूटिंग कीजिए उनके साथ, जिधर जगह दिखेगा हम गाना घुसेड़ देंगे अपना। अच्छा डाल देंगे गाना, डाल देंगे। आइए नवाज जी आप हीरो हैं, हम आपको स्टोरी समझा देते हैं, सीन वगैरह बता देते हैं, डरने का जरूरत नहीं है। इधर आइए, डर काहे रहे हैं, डर काहे रहे हैं, डरिए नहीं। अरे शर्म आ रही है। शर्म क्यों शर्माना, लो भागा।
इतना घंटा लगाए हैं अभी भी सेम लग रहा है ये। रुके रुके सिंह, एक मिनट, हमारा गाना चुप। सीन है सुहाग रात का सीन है, हम ये घूंघट लिए हैं, आप घूंघट उठाते हैं और हमको देख के चौंक जाते हैं, ठीक है, उधर से आइए, जाइएगा नहीं, वापस आना है। हम तो कह रहे हैं कि रिंकू भौजी जो है बहुत अच्छा गाना गाती हैं। अगर वो खुद गाने की कोशिश करे, सुनाइए ना एक बार इन्हें। ए, ढोलकी लाओ रे प्रोडक्शन। ये हमारे यहाँ का ढोलकी का है। चम्मच बजा लेते हैं। क्या है? हम हीरोइन हैं कि तुम है पिक्चर का? सारा डांस तुम ही करोगी क्या? हम समझते नहीं हैं। तो क्या किया हम? शूटिंग करना है जाके, तो एक काम करते हैं, यहाँ से ले चलते हैं एक दो लोग। तो देखे थोड़ा आउटडोर शूटिंग करते हैं, आइए ना, आइए थोड़ा पिक्चर जो है। हाँ से चलिए। एक बार नवाज भाई और विक्की के लिए जोरदार ताली। नवाज भाई, ओए हेलो, रुक जाओ, मिलने भी नहीं दे रहे, लेके जा रहे। नवाज भाई, विक्की, अनुराग भाई, अभी एक एक सेल्फी हम लेते हैं हमेशा ही। थैंक यू नवाज भाई, थैंक यू विक्की। नवाज भाई थैंक यू सो मच, आप आए, पर इसका अफसोस भी आप गलत हाथों में पड़ गए। थैंक यू विक्की एंड गुड लक फॉर रमन राघव। थैंक यू सर। अब वक्त है फैंटम से अनुराग भाई के तीन और दोस्त जो हैं, इनके पार्टनर्स, उनको यहाँ पे इनवाइट करने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर विकास बहल, मिस्टर विक्रमादित्य मोटवानी और मिस्टर मधु मंटेना का। सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये जानना चाहूंगा कि आजकल पाजी दो लोगों के विचार ही आपस में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और ये लोग चार हैं और चारों के चारों बड़े क्रिएटिव हैं, इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं। आपने सबने कैसे डिसाइड किया सर साथ में काम करने का? सर हमारे विचार तो मिलते ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिलता। कैसे आप कैसे मिले कैसे आप? पर टी-शर्ट मिलती है बस। वैसे कब शुरू हुआ था फैंटम? नाम तो हम लोगों का बाद में आया। विकास प्रोड्यूसर थे जब मैंने देवडी बनाई थी जी, विक्रम ने उड़ान बनाई थी, हमने प्रोड्यूस की थी, और हम लोग गैंग्स ऑफ वासेपुर बनाने की कोशिश कर रहे थे और किसी कारणवश हो नहीं पाई उस समय। ओके, तो हमारा ये था कि कुछ पिक्चर हम बना पा रहे थे जी, पर बहुत सारी पिक्चरें थी जो हम नहीं बना पा रहे थे। तो हमने सोचा अभी जो भी हमको गलती करनी है ठीक करना है, मिलके करना है साथ में। और इसी चक्कर में एक दिन हम लोग मिले, हमने बोला चलो एक काम करते हैं, दूसरे लोग तो करने नहीं दे रहे, तो अब अपना ही पैसा डुबाते हैं। तो हमारे पास डुबाने के लिए ज़्यादा था नहीं, पर हम सब साथ मिल गए। उस चक्कर में मधु आए। आपको पता है सिद्धू भाजी, अनुराग भाजी लिखते भी हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं। विकास भाई भी बहुत अच्छा लिखते हैं, क्वीन इन्होंने खुद ही लिखी थी और इन्होंने डायरेक्ट भी की। विक्रम भी लिखते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं। मधु जो है, मुझे मधु को देख के ऐसा लगता है कि पैसे का लेन देन यही करते होंगे। मेरे को सवाल जानना है एक पाजी कि आपने ये सारे काम मिल बांट के रखे हैं, मेरे ख्याल से आपको और किसी की जरूरत ही नहीं है। तो आपके ऑफिस जब कोई जाता है ऐसे घंटी भी जाता है, उसके लिए अलग आदमी की आप चारों में से कोई दरवाजा खोलता है? वो तो अलग होंगे टीम। हमने दो तीन पिक्चरें बनाई पिछले साल जिसको हम डायरेक्ट करना भूल गए, तो जैसे वेलवेट शानदार, फिर उस साल ना हम दोनों सिर्फ दरवाजा खोलते हैं और चाय पिलाते हैं। आपको पता भाजी, अनुराग भाई ने ना एक फिल्म में हिस्ट्री क्रिएट कर दी, गैंग ऑफ वासेपुर। एक महीने का इंटरवल था भाजी उसका, पार्ट वन और पार्ट टू के बीच में उन्होंने 5.5 घंटे की फिल्म बनाई, फिर वो दो पार्ट में दिखाई। भाई आपने जानबूझ के लंबी बनाई थी कि चलो सेंसर ने तो काट ही देनी होती मेरी फिल्म। आपको सबसे बड़ा फ्रॉड बताता हूँ, ये मुझे एक साल बाद पता चला। आपने कभी कोई पिक्चर देखी है जिसमें एक छोटा बच्चा है जिसके बाप का खून हो गया और वो बच्चा बोल रहा है मैं बड़ा होकर अपने बाप के खून का बदला लूंगा? तो बड़ा होता है, बीच में उसको इश्क हो जाता है, वो भूल जाता है कि उसको बदला लेना है, एंड में वो मर जाता है। ये कौन सी पिक्चर बनाता है?
वाकई और वहां पे बदला नहीं लिया गया मनोज वाजपेयी जी से, फिर इन्होंने सोचा यार ये तो ये हो गया, फिर बोले चल नमाज तू रेडी रह, दादा का बदला, फैसल का बदला, बाप का, दादा का, सब फिर उन्हीं से हुआ। डायरेक्टर जी कमाल किए सर। अच्छा विक्रम, आपने एक फिल्म बनाई थी लुटेरा, बड़ी कमाल की फिल्म थी, और इन्होंने लिखने में 6 साल लगाए उसको, तो आपकी टाइप करने की स्पीड कम थी कि बंदा मतलब इसके पीछे क्या कारण था? मैं जल्दी लिखता हूँ, लेकिन अनुराग जो डायलॉग लिखते हैं ना वो बहुत बहुत ही स्लो लिखते हैं। मतलब आप उन पे बिल फाड़ रहे हैं। अच्छा भाई, उस लुटेरा के बाद आपने कोई फिल्म क्यों नहीं बनाई? प्रोड्यूस कर रहा हूँ ना। ये बॉम्बे वेलवेट और शानदार के प्रोड्यूसर हैं, इनसे मिलिए। अच्छा मधु, आपने खुद को काफी मेंटेना किया हुआ है अपना। जैसे साउथ में तो पाजी बड़े लड़कों के नाम मधु होते हैं, नॉर्थ में नहीं होते, तो आपको कभी ऐसे फेसबुक पे रिक्वेस्ट नहीं आई, हाय दिस इज राजेश 24 मेल? बहुत आते हैं, अभी अभी शादी हो गया तो वो भी बात। एक दिन मेरे घर पे 3 लोग आ रहे थे। अच्छा, मधु, शीतल और भावना, सब लोग बहुत ही वेट कर रहे थे कि ये 3 लड़कियां घर आ रही है। शीतल इससे भी भयानक। भाजी मैं ना एक लोकल सिटी केबल के ऊपर एक प्रोग्राम करता हूँ, तो उसमें हम लोग अलग अलग मुद्दों में बातचीत करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उसका हिस्सा बने। मुद्दा है महंगाई, सो जल्दी सिटी केबल का फ्रेम मंगाया जाए। तो हमारे प्रोग्राम, विशेष प्रोग्राम जिसका नाम है बात की खाल, सब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि आज के मुद्दे पर हम लोग विशेष चर्चा कर रहे हैं, हमारी जनता जनार्दन मिस्टर अनुराग कश्यप से कुछ पूछना चाहती है कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि जब आपकी फिल्म आने वाली होती है, सेंसर बोर्ड अपने मुलाजिमों की छुट्टियां कैंसिल कर देता है कि अनुराग की फिल्म आ रही है, सारे बैठ के देखनी पड़ेगी। ये अफवाह है या सच है? मुझे तो लगता है सच है। ये सच है। दोस्तों आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा। एक गरीब आदमी 5-स्टार होटल में बैठ के चाय भी नहीं पी सकता, 1,000 रुपए की चाय आती है। तो आज महंगाई के मुद्दे पे विशेष बातचीत करने के लिए हम बुलाना चाहते हैं बेरोजगार डॉक्टर मशहूर गुलाटी, प्लीज। हाय डॉक्टर मशहूर गुलाटी, ठीक है सर? हाय, I like your films. You make good cinema. Yeah. Thank you. And मुझे ना आपकी फिल्मों में dim light जब रखते हैं ना, किफायती होती है फिल्में, मुझे अच्छी लगती है। And because your films are dark, इसलिए विटामिन डी है आपके लिए from a doctor. I have a question. If you don't mind, ये उड़ता पंजाब जो फिल्म है, ये लिक्विड फिल्म है क्या? नहीं, लीक हो गई ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। ही तो नहीं लिक्विड, लेकिन आई थिंक वो इतना टाइम तक फंसी रही कि वो मेल्ट हो गई थी थोड़ी सी। ओके, आप ज्यादा फ्रैंक ना होए हमारे मेहमानों के साथ। तो बैठिए। बैठ रहे हैं यार, ऐसा क्या इज्जत से बात कर रहे हो? और इनके साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा लुच्चो में लुच्ची, द मोस्ट लुच्ची, लुच्ची बेगम। मैंने कहा बहस शुरू करते हैं, मैं मुजरा शुरू कर दिया, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। मुद्दा यह है कि फिल्मों की टिकट से ज्यादा महंगे फिल्मों में बिकने वाले पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक हो गए हैं। तो इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए मैं एक खास मेहमान जो कि सिनेमा घर में पॉपकॉर्न बेचते हैं, उनको बुलाना चाहूंगा, मिस्टर नो चोपड़ा। फटाफट नमस्ते वस्ते निकलिए, इधर बैठिए, चलिए 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 चलिए, इतना टाइम नहीं है, कपिल उधर बैठिए। ये नाम कैसा हुआ भी, नो चोपड़ा? मेरा नाम नो चोपड़ा है। नहीं नहीं, आप नो चोपड़ा। एक नाइस नाइस। मैं यश चोपड़ा का ऑपोजिट है, मतलब वो ऐसा रोमांस के बादशाह है, मैं अभी तक सिंगल है। तो आपका कहना है कि आप सिंगल हैं, ये इनका बड़प्पन है, इन्होंने अपने आप को सिंगल कहा,
हालांकि अपने आप को मल्टीप्लेक्स भी बोल सकते थे। ये चुटकुला खराब हो सकता है लेकिन इसमें बिल्कुल ठीक बैठता है। तो बातचीत शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूंगा राजा विक्रमादित्य जी से, आपका महल कहाँ है? अगर महल नहीं है तो राजाओं जैसा नाम क्यों है? तो विक्रमादित्य राजा साहब का कहना है कि उनका कोई महल नहीं है। लाहौर वाला कुत, ये क्या सुन रहे? जो बोल रहे हैं भाई सुन रहे हैं? चुप कर। हमें हमेशा ऐसा लगता था कि ये कहीं के नवाब है, आज आपने हमारा दिल तोड़ दिया। खैर विक्रमादित्य जी, ये बताइए आप सिर्फ फिल्म प्रोड्यूस करते रहेंगे या दो कप कॉफी भी प्रोड्यूस करना चाहेंगे हमारे साथ? अपनी उम्र को देखिए, कॉफी नहीं माफी देना चाहेंगे आपको। वो नहीं करना चाहेंगे तो चलिए उड़ता पंजाबी दिखाते कल। ज्यादा ही उड़ रही हैं आप। आप होते कौन है हम पर नीलानी रखने वाले? नीलानी नहीं होता, निगरानी होता है। तो आजकल पहला जो नीलानी होता है ना, आजकल सारी निगरानी पहला नीलानी रखते हैं। तशरीफ रखिए। मैंने तो रखी हुई है। इनके मुंह पर रखिए, क्योंकि जैसे बात इन्होंने की है ऐसे बात तो बनती है। मैं आप सबके मुंह पे टीवी फेंक देना है। इधर बेगम आप बहुत उड़ रही हैं, आपकी बेगम में से मैंने सारा गम उड़ा देना, लोग बेबे कह के बुलाएंगे, फिर अच्छा लगेगा आपको। भाई मजा आ गया, क्या बात की, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये हमारे साथ बहस करना है कि आपस में बहस करना है? तो विकास जी आप बताइए, करोड़ों रुपया लगता कहाँ है? सर हमारा तो करोड़ों लगता नहीं, हम मेरी पिक्चर में तो मैंने कंगना को भी अकेले हनीमून पे भेजा था कि दो के पैसे नहीं थे। अकेली कहाँ थी, आप खुद उनके साथ गए थे। जो भी कहिए, बट हनीमून का मजा अकेले में ही है। जो भी है, आपकी फिल्म जो थी क्वीन बड़ी शानदार थी, लेकिन शानदार क्वीन नहीं हो सकी। वैसे सर इसने एडिट की थी सर। नहीं बैठे मेरा सारे अच्छे, मैंने बड़े अच्छे सीन शूट किए थे, इसने एडिटिंग में चीटिंग करी, इसकी वेलवेट बनी थी, इसने बोला मेरी लगी मैं तेरी भी लगा दूंगा। देखिए हम यहाँ मजा लेने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे विशेष मुद्दे पर बातचीत करने आए हैं। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा, हाँ मुझे पूछिए, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि फिल्म का टिकट उतने महंगे नहीं है जितने पॉपकॉर्न महंगे हैं, आखिर क्यों? बड़ी तहजीब से पूछा आपने। कपिल आपको आपको पता है कि पॉपकॉर्न और समोसा का रेट ज्यादा क्यों है? जी क्योंकि अनुराग जब फिल्म बनाते हैं तो इतनी कट जाती है, सिर्फ इंटरवल रहता है। तो इस वजह से इनका ये कहना है, पिक्चर जैसा भी हो पिक्चर का टिकट भी महंगा होता है, उसके बाद पिक्चर देखो अभी कभी अच्छा कभी बुरा कुछ भी हो सकता है, पॉपकॉर्न हमेशा अच्छा होता है, पॉपकॉर्न का क्वालिटी कभी नीचे नहीं जाता है। बस कर, पॉपकॉर्न बेचे जा रहा है क्या अपने यहाँ पे? चुप कर, यहाँ इंटेलिजेंट लोग इंटेलिजेंट बातें कर रहे हैं, पॉपकॉर्न नहीं बेचे जा रहा। चुप, तू चुप, कितना मस्त बोल रहा है गोलू, तू बोल। पहले जैसा टाइम नहीं रहा कि 10 रुपए का पॉपकॉर्न। लोगों की डिबेट हो रही है, आप बीच में क्यों अटकती है? अक्सर ये कहा गया है कि जो बोता है वही काटता है, लेकिन आपके साथ उल्टा है, फिल्म आप बनाते हैं काटता कोई और है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो हम वो जो शोले का डायलॉग है ना गब्बर का जी, जो ठाकुर को बोलता है, काटने वाले को हम ये कहना चाहेंगे, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। देखिए आपकी फिल्में महंगी है चाहे कितनी भी हो, बट मैं आई एम ए फैन, एज अ डॉक्टर आई लव इट। फैन इसलिए इनको गाली सुनने का बड़ा शौक है। मरीज इन्हें गाली सुनाकर चले जाते हैं। अभी के अभी बैठा बैठा ना अपने अपेंडिक्स से गाली निकालूंगा तेरे लिए मैं अभी। कल तो बकवास कर दिया। सुना के तो देखिए, हम भी आपको सुझा ना दे तो कहना। काम से लुची नहीं है हम, ऐसी जगह मुक्का मारूंगी कि तुम रोओगे कम शर्माओगे ज्यादा। मैंने थूक फेंक देनी है। अच्छा। इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं तो घटिया बात करने का क्या जरूरत है तुमको? जब से आए तब से घटिया ही बात कर रहा है, घटिया इंसान। मैंने तेरे मुंह पे सच में थूक फेंक देनी है, मैंने नहीं देखना। रुक जा, मैं लेडी के ऊपर
आज मैंने ऐसे डॉक्टर मैंने कभी निकली है गैस गैस निकली है आपको चाहिए पॉपकॉर्न का ये पॉपकॉर्न जैसा कि हमेशा की तरह हमारे गेस्ट ने हमारी डिबेट खराब कर दी है थैंक यू सो मच शुक्रिया एक बार अनुराग भाई विकास भाई मधु और विक्रमादित्य के लिए जोरदार तालियां हो जाएं भाई थैंक यू सो मच आप हमारे शो में आए हमें बहुत अच्छा लगा उम्मीद है आपको भी मजा आया होगा सर थैंक यू भाई थैंक यू विकास भाई सर हमारे यहाँ अगर कोई भी जितने मेहमान आते हैं कोई एंटरटेनिंग होता है या आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं आपको हंसाते हैं तो हम लोग उनको अपनी तरफ से एक खूबसूरत सा मोबाइल देते हैं सर आप ने आज जो भी किया पर मजा आया था आइए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच और आप सब लोग भी हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए अपने आसपास सफाई रखें और देखते रहे द कपिल शर्मा शो